गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछला टर्म पे हमने आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। एक बार फिर से जो है मैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि स्कूल बंद चल रहे हैं, आपको घर पे जो है रह करके पढ़ना है, तो आप डेली हर सब्जेक्ट पढ़िए। और वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके क्लास से रिलेटेड अगर कोई जो है वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को आप फॉलो कर सकते हो, या आप मेरे फेसबुक पेज, अगर आप फेसबुक पे हो तो, अगर आप फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/raju-157198 पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल वीडियोज आपको मिलेंगे जो आपके बायोलॉजी के जो है इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो आप इस पेज पे भी जा सकते हो देखने के लिए। इस पेज पर भी जो है जो वीडियो जो है हम वर्ड बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं या आपको भेजते हैं, वो सारे जो है वीडियोज इस पेज पर भी हैं। इसके अलावा इस wordpress.com पे भी लिंक है इसका, तो जो है आप इसे देख सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। पहले जो पिछले सेशन में हमने जो देखा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। चेंजेस अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम देखते हैं। उन्हीं चेंजेस को जो है हमें देखना है कि इनमें ये चेंजेस किस तरह के हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें नए मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें नए मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल की तरफ अगर मान लो कि हम जो है पेपर को फाड़ दें, कट कर दें, टियर कर दें, तो पेपर ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि हम फूड को कुक कर दें तो फूड की क्वालिटी या फूड जो है चेंज कर जाएगा। जैसे मिल्क है, मिल्क अगर कर्ड में बदल जाता है तो कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क। मिल्क एक अलग मटेरियल है, कर्ड एक अलग मटेरियल है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जो है अगर हम पिघला देते हैं तो वाटर में बदल जाता है, वाटर को फिर से फ्रीज कर देंगे फिर से आइस में बदल जाएगा, नहीं ये रिवर्स हो रहा है। तो कई सारे चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को हमें देखना है कि इन चेंजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक तो वो चेंजेस होंगे जिन चेंजेस को जो है हम देखेंगे कि वो रिवर्स हो सकते हैं, और एक वो चेंजेस होंगे जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो जो रिवर्स हो सकते हैं उन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, जो रिवर्स नहीं हो सकते उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो चेंजेस को हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फिजिकल चेंजेस, जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता, बस फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, शेप है, साइज है, स्टेट ऑफ मटेरियल है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है लेकिन कोई नया मटेरियल नहीं बन सकता। और इसके अलावा फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कटिंग ऑफ पेपर इंटू पीसेज, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं जो कि रिवर्सिबल हैं। अब इसके अलावा एक खास चीज और आप जान लो कि कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल तो नहीं होते बट वो होते फिजिकल ही हैं। जैसे कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को हमने कट कर दिया, अब अगर हम उसे जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ेगा नहीं। लकड़ी है, लकड़ी को अगर हमने काट दिया तो उसे जोड़ना चाहेंगे, फिर से पुरानी लकड़ी पाना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, बट नया मटेरियल वहां नहीं बन रहा है, यानी वो फिजिकल चेंज ही है, वो केमिकल चेंज नहीं है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल चेंज है तो हमेशा रिवर्सिबल ही होगा, बट फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, ये आपको समझना है। जरा देखो यहां पे एक फिजिकल चेंजेस के बारे में जो है दिखाया गया है आपको, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये फिजिकल चेंज है क्या है, कैसे है। देखो आप इसे, फिजिकल चेंजेस इंट्रोडक्शन। Rhea is fond of ice cream.
She takes out the ice cream from the deep freezer of the refrigerator. But to her surprise, ice cream is floating like liquid. Her mother says that there was an interruption to the power supply for 5 hours. So the ice cream melted. Now can Rhea recover the ice cream in original solid form? The answer is yes. Let us know how. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to define change, explain physical changes, give examples of physical changes. We observe many changes. Some examples of changes in our daily life are cooking of food, rusting of iron, melting of ice. Change is a process in which the properties like state, color, shape, size, chemical composition, and structure of a substance is altered. Types of changes. Changes are of two types, physical change and chemical change. In this module, you will study the physical changes. आगे देखते हैं हम केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज जो है ऐसा चेंज है जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस बनता है, और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे जो एग्जांपल हैं ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं. आयरन में एक बार जब जंग लग जाएगा तो जंग जो है फिर से आयरन में नहीं बदल सकता. लकड़ी को अगर हम जला देंगे तो राख और कोयले में बदल जाएगा और फिर से लकड़ी में नहीं बदल सकता. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से जो है दही बन जाएगा तो फिर से वो दूध नहीं बदल सकता. फूड को जब एक बार कुक कर देंगे तो फिर से रॉ फूड में नहीं बदल सकता. जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये जब हो रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत सारे और भी चेंजेस होते हैं उसके साथ. जैसे फॉर्मेशन ऑफ नया सब्सटेंस, ये तो हमने देख लिया. हीट या लाइट जो है या तो एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा. जैसे पिछले टर्म पे हमने आपको बताया था कि लाइम में जो है वाटर मिक्स करते हैं तो जो है वो उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, हीट जो है रिलीज हो रहा होता है. साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, कभी कभी साउंड भी प्रोड्यूस होता है जब केमिकल चेंज हो रहा होता है. तो कलर चेंज हो सकता है, स्मेल चेंज हो सकता है, और गैस रिलीज हो सकती है. तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल चेंजेस जो कि जो है जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं, एक साथ हो सकती हैं या जो है इनमें से कोई एक या दो हो सकता है. ये जो केमिकल चेंजेस है, यहां जो है इस केमिकल चेंज को जरा देखो, यहां पर भी जो है कुछ चीजें दिखाई गई हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. लुक एट दीज लीव्स. द फर्स्ट लीफ इज फ्रेश एंड ग्रीन व्हाइल द अदर इज ड्राई एंड ब्राउन. कैन वी मेक द ड्राई लीफ फ्रेश अगेन? वेल, वी कैन नॉट डू सो, एंड दैट इज बिकॉज the leaves have undergone a chemical change that cannot be reversed. All the changes that take place in our surroundings are either physical or chemical changes. Let us learn more about these changes. When water is frozen, it forms ice. However, ice and water are made up of the same type of substance, that is, water molecules. This means that freezing just changed the physical form of water from liquid to solid, but the molecules inside remain the same. Such a change, where only the physical properties of the substance change and no new substance is formed, is called a physical change. The formation of ice can be easily reversed by heating the ice to form water. Most physical changes can be reversed. Melting of an ice cream, chopping off wood, bending of a wire,
breaking of a glass and breaking of a pencil are physical changes. Now look at this log of wood. Even after being cut from the tree, the wood remains same. But what happens when this log of wood is set to fire? Upon burning, the wood changes into ash. Ash is a new substance which has different chemical properties than wood, and it cannot be changed back into wood again. Such a change, where the chemical properties of the substance change and a new substance is formed, is called a chemical change. Chemical changes are mostly irreversible. Burning of paper, rusting of iron, cooking of rice, curdling of milk, and ripening of fruits are chemical changes. So now you know all about physical and chemical changes. आगे बढ़ते हैं. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये पिछले टर्म पे भी हमने आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जो है हम हीट करते हैं, गर्म जो है जलाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही डेजलिंग लाइट के साथ जो है वो जलता है, और जल करके वो एक वाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यानी वो बेसिक होता है नेचर में. और इस मैग्नीशियम रिबन के जलने के प्रोसेस को भी जो है हम जो है करके देख सकते हैं. रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. कॉपर सल्फेट और आयरन को अगर हम, कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का एक सॉलिड होता है, उसको वाटर में जब हम डिजॉल्व करते हैं तो हमें एक ब्लू सोल्यूशन मिलता है. और उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर हम आयरन नेल को डालते हैं तो आयरन नेल करीब आधे घंटे के बाद आयरन नेल के ऊपर जो है कॉपर डिपॉजिट होने लगता है और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का कलर है वो ग्रीन कलर में बदलने लगता है. इसे हम देखते हैं एक जो है इसके फॉर्म में. देखो आप इसे. Reaction of iron nails with copper sulfate solution. In this module, you will learn about the reaction of iron nails with copper sulfate solution. When an iron object is kept in copper sulfate solution, the color of the object and the copper sulfate solution changes. यहाँ देखो, ये जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना करके रखा हुआ ब्लू कलर का, और इसमें एक आयरन नेल जो है डाला गया है. जो रिक्वायर्ड आइटम होगा इसके लिए, आयरन नेल, सैंड पेपर, टेस्ट ट्यूब, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, थ्रेड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने डाल दिया टेस्ट ट्यूब में. एक जो है स्टैंड के साथ जो है हमने फिक्स कर दिया ताकि जो है वो मूव न करे. आयरन नेल लिया, सैंड पेपर से जो है हम रफ करते हैं जिससे कि ऊपर जो अगर रस्टिंग है तो उसके रस्ट जो है हट जाए. थ्रेड से हमने आयरन नेल को बांधा और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो है डाल दिया. अब इसे छोड़ देना है हमें कुछ समय के लिए. कुछ समय बाद, लगभग 20 से 30 मिनट बाद जब हम निकालते हैं तो नॉर्मल कॉपर, नॉर्मल आयरन नेल और कॉपर सल्फेट में डूबे हुए आयरन नेल को देखो, दोनों में जो है क्या अंतर हमें दिखाई दे रहा है. जो कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिटेड है. नॉर्मल आयरन नेल आप देख रहे हो, दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है. तो ये जो चेंज आया है, ये चेंज एक केमिकल चेंज था जिसमें कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल ने रिएक्ट किया. अब जरा दोनों कलर में अंतर देखो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन नेल के साथ रिएक्ट करके ग्रीनिश कलर का हो गया, जबकि ओरिजिनल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का है.
तो ये था कॉपर सल्फेट और आयरन नेल का जो है रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ये विनेगर जो घरों में पाया जाता है एसिटिक एसिड विनेगर, उसको जब हम बेकिंग सोडा यानी जो है खाने वाले सोडे के साथ जो है मीठा सोडे के साथ जो है अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है को अगर हम लाइम वाटर के साथ क्रॉस कराएं तो लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, वो मिल्की हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड या रस्ट का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दो जरा, मैग्नीशियम सल्फेट सॉरी कॉपर सल्फेट और आयरन का जो रिएक्शन था वो एक फास्ट रिएक्शन था, कंपैरेटिवली फास्ट रिएक्शन था, दैट इज नॉट वेरी फास्ट रिएक्शन, कंपैरेटिवली फास्ट रिएक्शन था जो कि लगभग आधे घंटे में हमें जो है उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन आयरन की जो रस्टिंग होती है दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस जो कि हम देख नहीं सकते, उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कई दिनों बाद। धीरे धीरे आयरन का जो अपर सरफेस होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टेक्ट में, ऑक्सीजन और वाटर मीन्स मॉइस्ट एयर, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में जब आता है तो धीरे धीरे आयरन का अपर सरफेस जो है मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके रस्ट या आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इनकी स्पीड अलग अलग होती है। मैग्नीशियम रिबन को जो हम जला रहे हैं दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, आयरन जो है नेल जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है दैट इज स्लो रिएक्शन, एंड आयरन और मॉइस्ट एयर का जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो है यानी वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये अलग अलग तरह के जो है केमिकल रिएक्शन हो गए। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑयल या ग्रीस लगा करके उसके ऊपर, पेंट करके उसके ऊपर, आपने देखा होगा कि नट बोल्ट्स को जो है के ऊपर ग्रीस या ऑयल्स लगाए जाते हैं, या जो ग्रिल वगैरह होते हैं जो लोहे के जो गेट वगैरह होते हैं उनको पेंट किया जाता है ताकि जो है उन्हें रस्टिंग से बचा सकें, या आयरन के ऊपर किसी दूसरे मेटल जैसे जिंक या क्रोमियम की जो है एक लेयर को कोट किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है जिससे कि रस्टिंग ना हो पाए। जिंक और क्रोमियम जो है वो रस्टिंग नहीं करते इसलिए जो है उसके ऊपर जो है लेयर चढ़ाया जाता है आयरन के ऊपर इनका। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है जिंक के लेयर को जो है कोट किया जाता है आयरन के ऊपर और ये आयरन के रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल को पाने के प्रोसेस को जो कि उसके सॉल्यूशन से पाया जाता है क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अगर हमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल पाना है तो कैसे पाएंगे, चलो इसे भी हम देखते हैं। देखो इसे, purification of copper sulfate by crystallization. The chemicals used for various purposes should be completely free from any type of impurities. Crystallization is an important purification process in which solid crystals are formed from a uniform solution. The different steps involved in the crystallization process are preparation of solution of the impure sample, filtration of the solution, concentration of the filtrate, cooling of the concentrated solution, separation and drying of crystals. Our aim is to prepare crystals of pure copper sulfate from an impure sample. Impure sulfate, copper sulfate से हमें जो है copper sulfate का crystal पाना है। ये copper sulfate का जो impure portion था, dilute H2SO4, distilled water, ethyl alcohol, beaker, spatula,
funnel, petri dish, measuring. Look, complete process. प्रोसीडर को देखते हैं, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन, इम्प्योर सॉल्यूशन। हमने वाटर लिया, कॉपर सल्फेट जो है का क्रूड सैंपल लिया हमने, स्टर किया, थोड़ा और लिया, जितना डिजॉल्व हो रहा है उतना हम लेते जा रहे हैं। कलर देखो धीरे धीरे हमें ब्लू कलर मिलता चला जा रहा है। H2SO4 लिया, डाइल्यूट H2SO4, उसको हमने मिक्सअप कर दिया इसमें। अब इसे हमें फिल्टर करना है। ये हमने फनल लिया, इसमें फिल्टर पेपर डाला, वाल के सहारे जो है कॉपर सल्फेट जो है धीरे धीरे जो है पेटी डिश में जाए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन क्या कर रहे हैं आप, हम इसे इनडायरेक्ट जो है हीट कर रहे हैं, डबल बॉइलिंग मेथड सैंड के थ्रू हम हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, वाटर जो होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो धीरे धीरे एवोपोरेट होकर के बाहर की तरफ निकलेगा। ये जो लेयर हमें दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, कूलिंग कर रहे हैं, उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कूलिंग कर रहे हैं। नीचे वाटर रखा हुआ, उसमें हमने कूलिंग के लिए रख दिया। कवर किया, आफ्टर सर्टेन पीरियड हमें जो है कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल जो है दिखाई देने लगे। देन हम क्रिस्टल्स को जो है अलग कर लेते हैं। एथिल अल्कोहल हम डालते हैं और इसको हम फिल्टर पेपर पर रख लेते हैं स्पैचुला के हेल्प से। ये हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिले, इसको हमने ड्राई कर लिया। तो ये जो था हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन था। यहां पर आकर के आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।